बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई। जी तो व्यूवर, सबसे पहले हम अपना रेसिपी कार्ड देख लेते हैं। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए होगा तकरीबन आधा किलो। उसके बाद हमें लहसुन चाहिए होगा बारीक कुटा हुआ, तकरीबन 3-4 जवे। 2 सब्ज़ मिर्च, दालचीनी हमें चाहिए होगा 1 टुकड़ा, और 2 मोटी इलायची। प्याज हमें चाहिए होंगे 2-3, और इनको हमने काट के कच्चा ही ब्लेंड कर लिया है, इसका एक पेस्ट सा बना लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। लेमन जूस हमें चाहिए होगा एक हमें चम्मच चाहिए होगी काली मिर्च, नमक हमें 1 चम्मच चाहिए होगा, दही हमें चाहिए होगा हसबे ज़रूरत या आधा कप। चलें तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है तकरीबन आधा कप। अब हम इसमें 2 बड़ी इलायची और 1 स्टिक दालचीनी की डालेंगे, और जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन गरम हो रहा है, अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर भुनेंगे, इसकी बुनाई करनी है हमने, जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है। अब इसका कलर हमने चेंज करना है। मुझे इतना ही चिकन ज़रूरत था, आप लोग चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे चिकन का कलर चेंज हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो लहसुन हमने काट के रखा था वो, और फिर इसको थोड़ी देर हिलाएंगे। थोड़ी देर के बाद, लहसुन को थोड़ी देर हिलाने के बाद, अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना प्याज जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। प्याज शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से हम भूनेंगे। प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया क्योंकि कच्चा प्याज हमने ऐड किया था। अब ये इसकी भुनाई करेंगे, और एक बात आप याद रखना, इसमें टमाटर शामिल नहीं करने आप लोगों ने। हम इसमें टमाटर शामिल नहीं करेंगे, और ना ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और ना ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि उससे फिर हमारी जो वाइट कढ़ाई है वो वाइट नहीं रहेगी। आप लोग काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क होता जा रहा है। अब यहाँ इस मौके पे हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 चम्मच, आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें तो अब हम इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए ढाँप देते हैं ताकि ये थोड़ा गल जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चुटकी ज़ीरा शामिल कर देंगे, साबुत ज़ीरा हमने लेना है। इसके बाद हमने 1 लेमन का जूस लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे जो हमने 1 कप लिया था। दही शामिल करने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च की शामिल करेंगे, 1/2 हमने बचा ली, ये बाद में हम इसमें डालेंगे, और 1 सब्ज़ मिर्च अभी हम डालेंगे, और 1 जब हम इसको गार्निश करेंगे उस टाइम डालेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हो गया। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट। आप लोग देख रहे हैं कि हमारी वाइट कढ़ाई तकरीबन तैयार है। इसमें अब हम थोड़ी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ी सी मेथी शामिल करेंगे खुशबू के लिए, सूखी हुई मेथी, और जो हमने काली मिर्च पाउडर बचा के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनी है।
जी तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कैसी बनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।